बियारी से जाते हुए अपने घर गुलशन की तरफ। और ये सारा ओल्ड सिटी एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है ये ओल्ड सिटी एरिया। और ये बी मार्केट का एरिया है सारा, जोड़िया बाज़ार और कोर्ट वगैरह सारा जो है यहीं पर है। अभी जो है वो इफ्तार हुआ है और रश ज़रा कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ ट्रैफिक होता है। और यहाँ पे पाँव रखने की जो है ना जगह नहीं होती है भाई। बाकी ये सारा ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है। यहाँ पे जितनी भी इमारतें सारी की सारी पुरानी हैं, ब्रिटिश दौर की हैं, अंग्रेज़ दौर के बनाए हुए घर हैं, मकानात हैं सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हैं। बहुत जो है इनमें अभी जो है वो आबादी नहीं है, लेकिन काफ़ी घर ऐसे हैं जिनमें आबादी मौजूद है। लेकिन ये देखें, ये सारा जो है ये ओल्ड सिटी एरिया है भाई। मैं नसीब बिरयानी पे निकला हूँ और यहाँ से सीधा अब जाऊँगा मैं एमेजिना रोड पे। सारा एरिया बहुत ज़्यादा बिजी होता है दिन के टाइम भाई, दिल धरने की जगह नहीं होती है। रश होने की जो वजह है वो ये है कि अभी भी इफ्तारी हुई है। मार्केट देखें सब ओल्ड सिटी है सारा, कुछ लोग रोडों पे अभी मौजूद हैं। ये चेक करें दोनों तरफ बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। सारा आराम बाग का एरिया है भाई। ये सस्ते फल का स्टॉल है, यहाँ से मैं सीधा आ गया भाई पंच रोड। और ये है फ्रिस्को बेकरी, जिसकी दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है। ये सारा चौक है फ्रिस्को का और ये सारा बंस रोड यहाँ से शुरू हो गया। पूरा का पूरा ये भी ओल्ड सिटी एरिया है। बंस रोड के रात के मनाजिर हैं ये, आप देखें। जैसे रात होती है यहाँ पे जो खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं वो सारे खुल जाते हैं भाई। बंस रोड पे सीन ऑन है भाई, सीन चेक करें बंस रोड का। फैमिलीज जो है वो आना शुरू हो गई हैं। सदर का एरिया भाई, और इसे जो है वो रीगल चौक कहते हैं। ये सामने मेरे आप देख सकते हैं, ये रीगल चौक है। और ये भी सारे का सारा ये ओल्ड सिटी एरिया भाई कराची का। असल मानों में जो सही मानों में जो कराची थी वो सदर तक थी भाई, खारा दर से लेके सदर तक।
और जो कायदे आज़म की मज़ार बनाई गई थी ये भी शहर से काफ़ी दूर बनाई गई थी, लेकिन अब आप देखें कि सारी की सारी मज़ार जो है वो शहर के सेंटर में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा कराची शहर जो है वो बड़ा हो गया। यहाँ पे भी जो है वो इफ्तार का जो इंतज़ाम किया गया किसी की तरफ से, ये देखें माशाल्लाह रोज़े जो है इफ्तार कराया जा रहा है। तो ये कराची की एक अच्छी चीज़ है, आपको जगह जगह पे रोज़ा इफ्तारी का जो है ना सीन जो है वो देखने को मिलता है। एनजीओ जो हैं वो तो कराती हैं, बाकी बहुत से लोग हैं जो माशाल्लाह खुद जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों को जो है वो इतने बड़े पैमाने पे जो है रोज़ा इफ्तार कराते हैं। बाकी ये सारा सदर बाज़ार शुरू हो गया भाई, सारा सदर का एरिया मेरे सामने आ गई है भाई। एम्प्रेस मार्केट ये आप देख सकते हैं, ये भी 1863 में बनाई गई एक इमारत है जिसे कैंप बाज़ार का नाम दिया गया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एम्प्रेस मार्केट बन गई। ये एमेजिना रोड है भाई, किसी दौर में यहाँ जो है वो क्वीन नामी बगियाँ चला करती थी जिसपे क्वीन फैमिली जो है वो सफ़र किया करती थी। तो अब जो है मैं इसको क्रॉस करते हुए गुलशन की तरफ जा रहा हूँ और लियारी में आज गया हुआ था कराची फालूदा शरबत को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे कायद के रोड के बनाते हुए भाई पूरे का पूरे रोड पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैं हूँ और मेरे सामने दो और लोग बाइक पे जा रहे हैं, ट्रैफिक ना होने के बराबर है। अभी जो है वो इफ्तार हुआ है और इफ्तारी के बाद जो है वो बिल्कुल सन्नाटा इस टाइम शहर में। और मैं अकेले जो है लिहारी चाकीवाड़ा से जो है अपने घर जा रहा हूँ, कुछ बाकी रह गया है। ये देखें आप, ये कायदे आज़म की दरबार है, ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो ये आप देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ से जाना मैंने गुलशन। किसी स्टॉप पे आपको ये मांगने वाले लोग बेचारे कुछ बैठे हुए दिखाई देते हैं, वरना तकरीबन लोग जो है वो जा चुके हैं। ये आ गया हूँ भाई मैं गुलशन में, ये अस्करी पार्क है जिसे जो है वो कश्मीर पार्क के नाम से जो है वो लोग जानते हैं, इसे जो है वो कश्मीर नाम जो है वो दे दिया गया कश्मीर पार्क का नाम। ये सारा ओल्ड सब्जी मंडी का एरिया है।